अमेरिका की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो उनकी इनोवेशन है। आप हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, जितनी भी टॉप कंपनियां हैं वो सिर्फ सिलिकॉन वैली में से निकली हैं। गूगल है, एप्पल है, इस तरह की कंपनियां आप ना चाइना में देख सकते हैं ना आप यूरोप में देख सकते हैं। यही वो इनोवेशन है जिसने मुझे इंस्पायर किया और अभी तक इंस्पायर कर रही है। बचपन से ही जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे पास थी वो ये थी कि घर की गुर्बत ख़त्म की जाए। उसको गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स मैं इस्तेमाल कर सकता था, वो एक थी कि अच्छी एजुकेशन हो, मेहनत हो और ईमानदारी के साथ काम किया जाए। 1967 में कराची में उधर बहुत फसाद हो रहे थे, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। उस वक़्त ये सोचा कि अगर मैंने एजुकेशन को अपने कंटिन्यू करना है तो पाकिस्तान में तो उस वक़्त कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो मैंने डिसीजन बनाई कि मैं बाहर जाऊं और वहां जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करूं। मैं नॉर्वे पहुंच गया क्योंकि वहां पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिला। वहां पे मैंने लैंग्वेज भी सीखी, फिर वहां पे मैंने ग्रेजुएशन की। नॉर्वे से अमेरिका जाने की मेरी ये डिसीजन इस वजह से बनी कि सिर्फ अमेरिका में उस वक़्त एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रोग्राम अवेलेबल थे जो मैं पढ़ना चाह रहा था। वहाँ पे सिर्फ दो यूनिवर्सिटियाँ थी जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही थी, उनमें से एक ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की है तो इन लोगों ने मेरा रेज्यूमे देखा जो नॉर्वे वाला था, और उसमें इन्होंने कहा कि भाई आपके पास अगर इतनी एक्सपीरियंस है तो आप हमारे बच्चों को कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाएं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप दे दिया। वहाँ पे मेरी ड्रीम जो हैं वो फिर आगे बढ़ने लगी कि इस मुल्क में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वजह यह है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे चूँकि आईटी का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैंने एक पहली कंपनी शुरू की मिनियापलिस में, और वहाँ पर हमने एक ऐसी ग्राफिक्स वर्क स्टेशन ईजाद किया जो मैक और पीसी से पहले वाली जनरेशन का ये ग्राफिक्स कंप्यूटर था। इस कंपनी को मैंने 5 साल चलाया। उसके बाद मैंने फिर एलेक्सा टेक्नोलॉजीज फाउंड की कैलिफोर्निया में। एलेक्सा टेक्नोलॉजीज का जो मेन काम है वो प्रोडक्शन ऑफ मिशन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, जैसे बैंक की बिलिंग होती है, अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, टेलीकॉम की बिलिंग होती है। दुनिया में 4 बड़ी मेजर कंपनीज हैं जो बड़े हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स बनाती हैं, उनमें ज़ेरॉक्स है, IBM है, OCA है और कैनन जैसी कंपनी है। अब ये सिर्फ हार्डवेयर बनाती हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है जो इनको चलाता है और जो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और मैनेज करता है वो सब एलेक्सा टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। हमारे 5,000 कस्टमर्स हैं और ये फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं, और ये चाइना, मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, हर जगह में ये क्लाइंट्स रिजाइड करते हैं। ये जब कंपनी 10 साल की चल चुकी थी और बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, उस वक़्त मुझे पाकिस्तान आने का चांस जब मिला तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ देखा कि पाकिस्तान में तो आईटी का ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई अच्छे प्रोग्राम थे, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड थी जिसका मुझे उस वक़्त विज़न थी कि ये बढ़ेगी। इंडिया ने दिखा दिया था हमें कि ये लोग आईटी में काफ़ी माहिर हो चुके थे, तो एक किस्म की मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को भी उसी लेवल पे लेके आया जाए जैसे इंडिया में उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी। सरताज अजीज साहब जो उस वक़्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे रابطہ कायम किया कि मेरी विज़न ये है कि यहाँ पे एक आईटी कॉरिडोर बनाया जाए जो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट कर सकता है और हमारी कंप्यूटर साइंसेज जो हैं वो आगे बढ़ें।
और उनकी मदद की वजह से हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने बनवाया। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थीं यहाँ पे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, जैसे फास्ट है, नस्त है, GIK है, लम्स लाहौर वाली थी, UET, इन सब यूनिवर्सिटियों के साथ मैंने जाके रब्ता कायम किया। बासर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका विजन जो था वो ये था कि हम पाकिस्तान से टॉप क्लास के डेवलपर्स प्रोग्रामर जो है वो प्रोड्यूस करें। 4 से 5 लोग हर साल इंटर्नशिप के तौर पे लग्जर में जाते हैं और वहाँ वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वापस आके उन्हीं प्रोजेक्ट को फाइनली प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और वो जो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उसका लेवल जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो जाता है। जिस टूल में मैंने काम किया था लग्जर में, दैट वाज AFP। AFP वाज टोटली न्यू, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। कोई मसला होता था मैं हमेशा उनके पास जाके बैठ जाता था एंड देर विलिंग टू हेल्प मी, तो टोटली इट वॉज़ ए वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसकी वजह से ये हुआ कि कम अज़ कम हमने 500-600 लोगों को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको बाहर भेजा, उनको बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ मिलाया। मैंने अपने करियर में स्टॉकहोम जर्मनी और US में मतलब ट्रेनिंग्स की, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, इवन कस्टमर इंटरेक्शन से भी शामिल है। उसका बुनियादी फ़ायदा ये है कि जैसे हर ट्रेनिंग के बाद में एक्सपोजर बढ़ता है, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना, काम कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम हो रहा है, इस तरह के एक्सपोजर मिलते हैं और यहाँ पर आकर उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। हमारा एक बड़ा एक मेजर गोल था कि हमारी जो पाकिस्तान की बच्चियाँ हैं उनको भी उतना ही चांस दिया जाए जितना कि मेल्स को दिया जाता है। तो ये हमने एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाई कि कम अज़ कम 25% टू 50% तक बच्चियां हमारी यहां पर रिक्रूट हों, उनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स दिए कि वो यहां पे अगर हायर एजुकेशन करना चाहती हैं तो वो एलेक्सर के स्कॉलरशिप के ऊपर भी पढ़ेगी। एलेक्सर आपको एक कंप्लीट पैकेज देती है, ना सिर्फ आप प्रोफेशनली खुद को बिल्ड करते हैं बल्कि आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होती है, लाइक आपकी अर्निंग अच्छी होती है, आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि कोई ऐसे मुझे देख रहा हो कि ये तो लड़की ये नहीं कर सकती। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एलेक्सर को जो चीज़ एलेक्सर डिक्लेयर करती है वो एलेक्सर का कल्चर है, फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। यहाँ पर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी उठ के इवन CEO लेवल तक जाके बात कर सकता है, अपना मसला बयान कर सकता है। दूसरी बात ये है कि चूँकि एलेक्सर वर्ल्ड क्लास का सॉफ्टवेयर इस वक्त डेवलप कर रही है तो ये भी उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस कंपनी में काम करना बड़ी स्पेशल चीज़ है उनके लिए। तो अगर आप मेरे बच्चों से पूछें कि भाई आपकी टेन्योर यहाँ पे क्या है, तो आप एवरेज देखेंगे कि 10 या 12 साल है। मेरी कंपनी को 26 साल हो गए हैं जिनमें से 17 साल पाकिस्तान में गुजरे हैं। एक ज़माना था कि कैलिफोर्निया में सारी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन अब सारी डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब पाकिस्तान में हैं और ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे चला रहे हैं। और विज़न यही है कि हम नंबर 1 रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े IT कंपनी और एम्प्लॉयर रहना चाहते हैं, हम जो ब्रेन ड्रेन है उसको रोकना चाह रहे हैं। बेशक हम 5,000 लोग हों या 10,000 लोग हों, उनको सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और उनको इसी तरह एजुकेट करेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास रहें। अगर पाकिस्तान से मैं नहीं बाहर गया होता तो मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या था? या मैं लॉयर बन सकता था, या डॉक्टर बन सकता था, या इंजीनियर बन सकता था। लेकिन बाहर जाने से ये फ़ायदा हुआ है कि विज़न इतनी बढ़ गई और उसमें मोटिवेशन इतनी बढ़ गई कि मुझे पता चल गया कि अगर मैं वो वापस ला के पाकिस्तान में इस्तेमाल करूँ तो इस पाकिस्तान की तरक्की है उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दोनों मुल्कों में रहने के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ज़हानत दोनों मुल्कों के इस पार भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ पहले से थी और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो
तो ये जो अपॉर्चुनिटी का गैप है ये ब्रिज हो सकता है, जिस तरह मैं एलिक्सर टेक्नोलॉजीज़ के साथ पिछले 26 साल से करके दिखा रहा हूँ।